जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज चैप्टर नंबर 5 का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें हमने स्पेक्ट्रम के एक जो है वो एप्लीकेशन है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की तर्ज में, वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम की एप्लीकेशन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वो क्या है, किस तरह बनता है, उसकी सीरीज क्या है, वो सारी हमने चीजें सीखनी है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम पढ़ने जा रहे हैं, चलो। ठीक, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर पहले हम इसे डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं द एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम विच इज फॉर्म्ड, कि कौन सा स्पेक्ट्रम है जी। मैंने पहले ही हल्का सा आपको टच दे दिया कि कौन सा स्पेक्ट्रम है, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम विच इज फॉर्म्ड वेन अ गैस फिल्ड डिस्चार्ज ट्यूब विद हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर इज हीटेड और प्रोवाइडेड स्पार्क या करंट कह रहे हो ब्लूश लाइट इज एमिटेड विच इज व्यूड, जिसको हम देखते हैं बाय स्पेक्ट्रोमीटर इज कॉल्ड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जिसको हम स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए देख लें, या फिर हम लोग उसे कहते हैं कि हम लोग इसे स्पेक्ट्रोग्राफ के जरिए देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन स्पेक्ट्रोमीटर ही हमने इसे यूज करना है। तो इसकी जरा स्ट्रेटेजी समझिएगा कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले कि हाइड्रोजन गैस इसमें फिल्ड हो, इसकी ब्लूश लाइट निकलेगी, उसको हम व्यू करेंगे। ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए तो हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिलेगा। हमें जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिलेगा व्हेन स्पेक्ट्रम इज व्यूड बाय हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर। जब उसे जरा अच्छे वाले स्पेक्ट्रोमीटर से देखा गया, देन वी गेट अ ग्रुप्स ऑफ या देन वी गेट द ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस इन डिफरेंट रीजन्स कॉल्ड, इन्हें हमने फिर नाम दिया स्पेक्ट्रल सीरीज का। उन्हें हमने क्या नाम दिया, स्पेक्ट्रल सीरीज का नाम दिया। ठीक हो गया। अब यहां पे बात समझने वाली क्या है कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी
उनके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स थे, उन ग्रुप्स को मैंने कह दिया वो एक ग्रुप स्पेक्ट्रल सीरीज कहलाता है, दूसरा ग्रुप दूसरा स्पेक्ट्रल सीरीज कहलाता है। अब कौन सा ग्रुप कौन सी स्पेक्ट्रल सीरीज कहलाता है और कौन सा ग्रुप कौन सी स्पेक्ट्रल सीरीज में आता है, ये हमने उस डायग्रामेटिकल फॉर्म में हाइड्रोजन के एटम को बनाकर फिर समझना है बोहर के मुताबिक। क्लियर? यहां तक हमारे पास यही आया कि हम लोगों ने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, ठीक है, जैसे हमने वो कैथोड रे बनानी थी तो हमने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया, उसमें जो हाइड्रोजन गैस फील्ड है, अब से हीट कर दो या इलेक्ट्रिक स्पार्क दे दो, जब अब से हीट करोगे या इलेक्ट्रिक स्पार्क दोगे उसमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेंगे, फिर क्या करेंगे, डी एक्साइट करेंगे, जब एक्साइट करके डी एक्साइट कर देंगे, जैसे हमने कल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की एग्जाम्पल भी पढ़ी थी एटॉमिक एमिशन और एब्जॉर्प्शन वाले में, तो एक्साइट करके डी एक्साइट करने से वो क्या निकालेगा, रेडिएशन। जब वो रेडिएशन से निकालेगा वो वाली रेडिएशन एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की होगी, जो स्पेसिफिक वेवलेंथ की होगी वो वाली वेवलेंथ हम लोगों ने वो उधर गिरानी है, वो स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली, यानी कि करीब करीब वेवलेंथ वाला एक सेट, फिर दूसरा रीजन, फिर तीसरा रीजन, डिफरेंट डिफरेंट रीजन बना देगा, तो वो रीजन वाली लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रल सीरीज कहते हैं। पांच स्पेक्ट्रल सीरीज यहां पे बनेगी। अब हम कहते हैं ये जो सीरीज बन रही है, ये जो स्पेक्ट्रम बन रहा है, इसका ओरिजिन क्या है, इसका बनने का नीचे मेथडोलॉजी क्या है, तो हम सबसे पहले इसको समझेंगे कि ये बना कैसे। तो पहले हम जा रहे हैं इसके ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे, जो सीरीज बनी है, ये जो आप कह रहे हो ग्रुप बनते हैं, रीजन्स बनते हैं, इसका ओरिजिन क्या है, इसका आगाज क्या है, इसकी प्रोडक्शन की वजह क्या है, आलाय कार क्या है। सही है, तो हम लोग यहां पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। सुनिए, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एनी ऑफ द ऑर्बिट डिपेंडिंग अपॉन इट्स एनर्जी। एनर्जी लेवल के हिसाब से डिपेंड करेगा कि वो पहले शेल में जाएगा या दूसरे शेल में जाएगा, तो इसका मतलब है कि ऑर्बिट इज डिसाइडेड बाय विच फैक्टर, एनर्जी, क्योंकि एनर्जी और एन का इनवर्स रिलेशन हमने पढ़ा था, जो माइनस में होके डायरेक्ट हो जाता है, तो ऑर्बिट इज डिपेंडेड ऑन एनर्जी, एनर्जी लेवल्स E1, E2, E3, E4, ठीक है, इस तरह जाते जाते हैं। अच्छा, ये तो हो गया रीजन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का पहला पॉइंट, कि हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो भी शेल में जा रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन के पहले शेल में जा रहा है घूम रहा है, इसका मतलब उसकी एनर्जी कम है, दूसरे शेल में घूम रहा है उसकी एनर्जी उससे ज्यादा है, तीसरे शेल में घूम रहा है उसकी एनर्जी से ज्यादा है, तो एनर्जी के हिसाब से इसका मतलब है कि ये शेल्स की कोई लिमिट नहीं है, क्यों, इन्फिनाइट शेल्स होते हैं, जितने शेल्स होते हैं इन्फिनिट शेल्स होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स जो है बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब कि इनफिनाइट होता है, क्यों, एनर्जी लेवल है, अगर एनर्जी बढ़ाते जाओ तो हम कहेंगे डिस्टेंस गैप बढ़ता जा रहा है, यानी कि उसका जो रेडिएशन वो बढ़ता जा रहा है, इसमें कोई इतने बड़ी बात तो नहीं है। ठीक है, अब सुनिएगा, व्हेन वी गिव हीट और इलेक्ट्रिक स्पार्क टू गैसियस एटम्स, देन देयर इलेक्ट्रॉन्स बिकम एक्साइटेड एंड गो इनटू हायर एनर्जी लेवल शेल्स डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है उतना ही वो ऊपर जाएंगे, हीट एब्जॉर्ब के हिसाब से उसने एनर्जी लेवल क्या करना है, चेंज करना है, थोड़ा
थोड़ी एनर्जी लेगा पहले शेल में जंप, पहले से दूसरे में जंप कर जाएगा, ज्यादा एनर्जी लेगा दूसरे से तीसरे में जंप कर जाएगा, उससे ज्यादा लेगा पहले से छठे में जा सकता है, उससे ज्यादा पहले से इन्फिनिटी में जा सकता है। इसीलिए उसका जो सारा सिनेरियो है वो डिपेंड किस पे करता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो उसने क्या ली है, एब्जॉर्ब की है, ठीक है, कि थोड़ी सी हीट दी है थोड़ी एक्साइटेशन होगी, ज्यादा हीट दी है तो ज्यादा एक्साइटेशन होगी, दैट्स जस्ट सिंपल, क्लियर। अच्छा, अब जब वो एक्साइट कर गया है तो जाहिर बात है वो उसकी अपनी मर्जी तो नहीं है, क्योंकि हमने उसे हीट दी थी, जब हमने उसे हीट दी थी उसने तो एक्साइट करना था एनर्जी लेकर, अब एक्साइट करके हायर एनर्जी में चला गया, सही बात है वो उसकी स्टेबल स्टेट नहीं है। आप सबको पता है जब इलेक्ट्रॉन के पास या किसी के पास भी एनर्जी ज्यादा हो तो वो स्टेबल होगा, अनस्टेबल अनस्टेबल हो जाएगा। कैसे के मेरे जेब में पैसे आ रहे थे वो टिक रहे नहीं है, ज्यादा पैसे हो मतलब ज्यादा जो है वो अनस्टेबल होता है, ज्यादा खर्चा करता है, ज्यादा जो भी है वो एक्सपेंस करता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी हो तो वो रिएक्टिव हो जाता है, वो स्टेबल होकर नहीं बैठता। किसी गरीब के पास पैसे नहीं है उसको कहां पे जो है वो शौक होगा कि मैं भाई हवाई जहाज पे बैठूं, पिकनिक पे जाऊं, मरी जाऊं, फलाना जाऊं, टपकाना जाऊं, और जिसके पास कोई थोड़े बहुत चार पैसे होंगे वो क्या कहेगा, मैं इधर भी टूर कर रहा हूं, ये भी कर रहा हूं, वो भी कर रहा हूं, वो सारा कुछ करेगा। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के भी यही हाल है कि जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ज्यादा मिलती है वो कहता है मैं टूर कर रहा हूं, वो E1 से टूर करने चला जाता है E2 में, E3 में, E4 में, हायर एनर्जी लेवल में टूर करने चला गया। जाहिर बात है टूर करेगा जहां से भी करके आएगा, आना तो उसने घर में ही है ना, यानी कि पहले शेल में है तो घूम घुमा के पहले में आएगा, अगर दूसरे शेल में है ना तो घूम घुमा के दूसरे में आएगा, तीसरे में आना तो तीसरे में आएगा, हायर में जाके स्टेबिलिटी गेन करने के लिए उसे रिटर्न होना ही पड़ता है। क्लियर? अब सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल गेट डी एक्साइटेड टू लोअर एनर्जी लेवल शेल बाय रिलीजिंग अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी फोटॉन विच हैव डेफिनेट वेवलेंथ एंड डिफरेंट रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम। अभी यहां से आपको स्पेक्ट्रम के रीजन्स की समझ आएगी कि उसके रीजन्स कहां से बने, उसके जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स कहां से बने, स्प्लिटिंग कहां से हुई। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, सबने इस इंपॉर्टेंट डायग्राम को लेकर बहुत क्लियरली समझ लेना है कि हम लोग यहां पर पढ़ने के जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला बेस्ट मेथड है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाले लॉन्ग क्वेश्चन को हल करने का, और यहां इतना बेहतरीन तरीके से किसी बुक में इतना डिटेल फॉर्म में अरेंज्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ जैसे हम करवा रहे हैं, इसी तरह ही आपने करना है तो इंशाल्लाह 4x4 कंफर्म हो गए। अब सुनिएगा, लेट मैं एक एटम बनाता हूं, ठीक है। अब एटम किस तरह बनाना है, बोहर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक, इस तरह बनाना है बोहर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक, यानी कि सर्कुलर ऑर्बिट्स बनाने, कोई उसमें टेंशन वाली बात नहीं है, कोई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, एक और बना लेते 8 कर लेते हैं। लीजिए सर्कुलर बना ले या फ्लैटन बना ले, जैसे मर्जी बना ले, दोनों ही हमारी तरफ से ओके हैं। अब सुनिएगा, तो जो रखिएगा क्लियर हो जाएगा ये आपको, ये पहला शेल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये आठवां। हम सात तक शेल बनाते हैं और आठवां जो है ना हम कहते थे ये इन्फिनिटी लेवल है, यानी कि ये अब शेल की फील्ड से बाहर निकल गया, एटम की फील्ड से बाहर निकल गया, यहां पे न्यूक्लियस का कोई होल्ड नहीं है, वो इन्फिनिटी यहां हो, यहां हो, यहां हो, इन्फिनिटी इन्फिनिटी होती है। जब अट्रैक्शन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से कोई नाता नहीं है, जब नाता नहीं है तो उसे मुड़ के वापस नहीं आना, ठीक है। जब मुड़ के वापस नहीं आना तो पता है पिछले ने कोई फोन भी नहीं करना, सही है, ठीक है। अगर कोई वापस से मोड़ दे तो ठीक है, वरना
वो आएगा नहीं। तो इन्फिनिटी का मतलब होता है जिसका पीछे से तल्लक टूट जाए, ठीक है, फिर उसका वापस आना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो जो रखिएगा, लेट्स सपोज दैट इलेक्ट्रॉन पहले शेल में था, ये जंप करके कहीं भी चला गया, दूसरे में जा सकता है, तीसरे में जा सकता है, चौथे में जा सकता है, पांचवें में जा सकता है, सातवें में जा, जहां मर्जी चला जाए। रीजन्स किस तरह डिपेंड करते हैं, देखो, जब ये डी एक्साइट करेगा तो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालेगा, ठीक है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी निकालेगा, ठीक है। तो उसकी डेफिनेट क्या होगी, वेवलेंथ। इस वजह से उसका रीजन भी क्या होगा, डिफरेंट, उसका रीजन भी क्या होगा, डिफरेंट। अब सीरीज कैसे बनती है, अब सीरीज की तरफ आना है, पहले तो मैं डिफरेंस गैप बता रहा हूं, देखो ई टू माइनस ई वन डिफरेंट है, ई थ्री माइनस ई टू डिफरेंट है, ई फोर माइनस ई टू वो डिफरेंट है, ई फाइव माइनस ई वन वो सारे डिफरेंट है। जब एनर्जी डिफरेंट होगी तब वेवलेंथ डिफरेंट होगी, तो इसलिए याद रखिएगा जरा, समझ रखनी है यहां पे, बड़ी क्लियर कट बातें समझने को आपको मिलने जा रही है। सुनिए, पहला ये है कि हायर शेल में गया था लेकिन घूम के आया किसमें, पहले में, किसमें, पहले में, पहले में, पहले में, पहले में, पहले में, पहले में, जहां पर भी गया है लेकिन आया कहां पे, पहले में। तो जो एनर्जीज निकलेंगी, जिस फोटोन की मालिक होंगी, जिस एनर्जी की वेवलेंथ की मालिक होंगी, उसको हम लोग नाम देते हैं लाइमैन सीरीज का, इनको हम लोग नाम क्या देते हैं, लाइमैन सीरीज का, एल वाई एम एन, लाइमैन सीरीज, लाइमैन सीरीज। तो पहली क्या ठहरी, लाइमन सीरीज, ठीक है। अब लाइमन सीरीज जो आके पहले शेल में, यानी कि जहां मर्जी गया है एक्साइट होके, लेकिन डी एक्साइट होके कहां गया है, पहले शेल में गया है, तो पहले शेल वाले को हम लाइमन सीरीज कहते हैं। और इसका जो रीजन बनता है वो यूवी रीजन बनता है, इसका जो रीजन बनता है वो कौन सा बनता है, यूवी अल्ट्रा वायलेट रीजन बनता है, ठीक है, यूवी रेज आपने पढ़ी है। फिर अगर वो एक्साइट करे, लेकिन एक्साइट करके आके रुके कितने में, दूसरे में, तीसरे से भी दूसरे में, चौथे से भी दूसरे में, पांचवें से भी दूसरे में, छठे से भी दूसरे में, सातवें से भी दूसरे में, और इन्फिनिटी से भी अगर आए तो भी दूसरे में आए। अगर सेकंड में आए तो जाहिर बात है पहले दो का एनर्जी डिफरेंस और है, पहले अपना दूसरे दो का एनर्जी दूसरे और तीसरे का एनर्जी डिफरेंस ही और है, ठीक है। तो इसीलिए ये बात याद रखनी है आपने, यहां पर जो सीरीज बनेगी उसे कहते हैं बामर सीरीज, बाल्मर सीरीज भी बोल देते हैं, एल साइलेंट है, बामर सीरीज। और ये वाला रीजन वाहद रीजन है जिसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, विजिबल रीजन, कौन सा रीजन है, विजिबल रीजन है। इसको इसने अपनी जो है ना वो जो लाइंस है इसने इसका नाम दिया हुआ है, जैसे इसने इसको एच का नाम दिया हुआ है, एच एच से इसको ना इसने शो किया हुआ है, तो उसको हम लोग एच अल्फा, एच बीटा, एच गेमा के नाम से भी जानते हैं। देखिएगा जरा, अगर तीसरे से दूसरे में आए, चौथे से दूसरे में आए, पांचवे से दूसरे में आए, छठे से दूसरे में आए, तो इस तरह नाम है। अगर तीसरे से दूसरे में आए तो जो एनर्जी निकलती है उस लाइन का नाम है एच अल्फा, चौथे से दूसरे में आए उसे कहते हैं एच बीटा, पांचवें से दूसरे में उसे कहते हैं एच गेमा, फिर एच पार्शल, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। पहला क्या है, एच एल्फा, ठीक है, दूसरा क्या है, एच बीटा, तीसरा क्या है, एच गेमा। ये देखो एच एल्फा, एच बीटा, एच गेमा और फिर एच पार्शल, और इस तरह चलता रहेगा, सही है। तो बाकी किसने नाम दिए, क्योंकि विजिबल रीजन था इसकी बहुत स्टडी है, तीसरे से दूसरे में जंप करे थोड़ी एनर्जी है, उस पहली लाइन को जो एनर्जी वाली लाइन है जो निकली है उसको एच अल्फा कह देना, जब चौथे से दूसरे में आए उसे एच बीटा कह दिया, पांचवे से दूसरे में उसे एच गामा कह दिया। ये वाली स्पेक्ट्रल सीरीज की डिस्क्रिप्शन होगी, पहली लाइमन, दूसरी बामर, तीसरी अगर वो आके तीसरे में रुके, चौथे से तीसरे में, पांचवे से तीसरे में, छठे से तीसरे में, सातवें से तीसरे में, इंफिनिटी से भी तीसरे में, इन्फिनिटी से भी तीसरे में, तो ये वाली जो
लाइंस हैं, जब इससे जो एनर्जी निकलेगी फोटोन की, जो एनर्जी बनेगी उसको हम कहते हैं लाइमन सीरीज के बाद, बामर सीरीज के बाद पास्चन सीरीज। हमने क्या कहते हैं? पास्चन सीरीज। और जो पास्चन सीरीज है या आगे जितनी भी आने वाली है उनका रीजन होता है आईआर। आईआर बोले तो इंफ्रा रेड रीजन। कौन सा रीजन जी? इंफ्रा रेड। चलो ये तो हो गया तीसरे तक। अगर वो आगे रुके फोर तक, किधर आकर रुके? फोर तक। इंफिनिटी से भी किधर है? फोर तक है। सारी आकर किधर रुके? फोर तक रुके। तो जो हायर शेल से फोर्थ शेल में आए उसका नाम होता है ब्रैकेट सीरीज। उसका नाम क्या है जी? ब्रैकेट सीरीज। वो सारी लाइनें इस सीरीज में आएंगी। और इसका रीजन भी क्या है? आई आर ई। इसका रीजन भी क्या है? आई आर ई। और आखिरी, अगर वो पांचवें में डीएक्साइट हो गए, यानी कि छठे से भी पांचवें में, सातवें से भी पांचवें में आए, इंफिनिटी से भी पांचवें में है, ठीक है। हर जगह से कितने में है? नंबर फाइव में है, ठीक है। फाइव में आएगा तो उसे कहते हैं फंड सीरीज। फंड का पी साइलेंट है इसलिए इसे हम पफंड भी बोल देते हैं, लेकिन हमने स्पेलिंग रखने यार इसलिए पफंड बोलते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन फंड सीरीज कहते हैं, ठीक है। इधर एल साइलेंट है, बामर सीरीज। बालम्बर नहीं पढ़ना, ठीक है, पढ़ते टाइम बामर कहना, लेकिन ये है बामर, बालमर, यानी कि एल साइलेंट है, बामर पढ़ेंगे। ये पफंड नहीं पढ़ते, फंड सीरीज। जैसे नॉलेज में पहला लफ्ज के है, का नॉलेज नहीं पढ़ते, साइलेंट होता है ना वो, ऐसे ही है। तो इसका रीजन भी क्या है? आईआर। इसका रीजन भी क्या है? आईआर। तो इसका मतलब है रीजन किस चीज को डिसाइड होकर बनाया गया है? द शेल इन विच इट गॉट डी एक्साइटेड, जंप करके जहां वापस आता है उसको देख के रीजन बनाया जाता है, क्योंकि उसी को देख के एनर्जी डिसाइड होनी है ना। पहले शेल की एनर्जी का डिफरेंस सबसे ज्यादा होता है, फिर अगले में जाएगा एनर्जी गैप क्या होते हैं? कम होते हैं। तो इससे हमें कितनी सीरीज मिल गई? पांच सीरीज मिल गई। कितनी सीरीज मिल गई? पांच सीरीज मिल गई। अब हम उन सीरीज को देखने लगे ओरिजिन के बाद कि हमको सीरीज जो बनाई है मैंने ओरिजिन के लिए सबको, अब उसके बाद ओरिजिन के बाद हमने इसकी जो पांच सीरीज बनी है उनका वजूद तो हमने देख लिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा लिख भी लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। अब सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर टू लोअर शेल एट विच रीजन और सीरीज इज डिसाइडेड, सो इट इज क्लासिफाइड इंटू फाइव सीरीज इन थ्री रीजन्स। तीन रीजन्स है लेकिन सीरीज कितनी है? पांच। तीन रीजन्स है लेकिन सीरीज कितनी है? पांच है, ठीक है जी। तो ये देख लेना आपने, पांच सीरीज वाले तीन रीजन्स की बात हो रही है, ठीक है। तो हम फाइव सीरीज पढ़ेंगे, लोअर शेल के हिसाब से पढ़ेंगे, उसके अंदर तीन रीजन है, देखो, एक विजिबल, एक यूवी, और इन तीनों में आईआर। इन तीनों में क्या है? आईआर है। अब पहली लाइमन सीरीज, पहली कौन सी है? लाइमन सीरीज। फिर हम पढ़ेंगे बामर, फिर हम पढ़ेंगे पास्चन। तो सुनिए, हम कहते हैं द सीरीज विच हैव स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर्मड व्हेन इलेक्ट्रॉन
from higher shell to first shell is called Lyman series. अब इसमें याद रखने वाली बात क्या है, डीएक्साइड होके आया किसमें है, फर्स्ट शेल में. डीएक्साइड होके यहां से मत भी आया लेकिन डीएक्साइड होके किसमें आए, फर्स्ट शेल में आए, तो उसे हम लोगों ने क्या कहना है, लाइमैन. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ इसका एन वन पता होगा, एन टू पता हो आपको. एन वन, एन वन याद रखना है लोअर शेल को कहते हैं या लोअर एनर्जी को कहते हैं, और N2 हमेशा हायर को कहते हैं. N2 का मतलब ये नहीं होता टू, N2 का मतलब टू नहीं होता, N2 का मतलब क्या होता है, हायर एनर्जी वाला. ठीक है, अब इसमें लोअर एनर्जी वाला कौन सा है, पहला. इसका मतलब है N1 इसमें सिर्फ वन होगा, और हायर एनर्जी वाला जहां से मर्जी आए, यानी कि वन सॉरी वन नहीं हो सकता, वन में तो आना है ना इसने, तो इसलिए इसका हायर वाला याद रखें, टू थ्री और चलता चलता कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा. ठीक है, तो इसलिए याद रखना हायर शेल जो है वो इसका कौन सा है, जी टू वाला है, यानी कि दो या दो से ज्यादा वाला है, और लोअर शेल इसका पहला है. ठीक है, अब अगली बात जो इसकी याद रखनी है वो रीजन याद रखना है. रीजन इसका कौन सा रीजन है, अल्ट्रा वायलेट रीजन. अल्ट्रा वायलेट रीजन, लो एक सीरीज खत्म. दूसरी सीरीज, दूसरी कौन सी है, बाल्मर सीरीज. कौन सी है, बाल्मर सीरीज कहले या बाल्मर सीरीज. ठीक है, तो हम कहते हैं सीरीज सेम है, इसलिए मैं जो है वो दो की डेफिनेशन लिख दूंगा, बाकी तीन की डेफिनेशन बगैर ही मैं यहां पे प्रेजेंट कर दूंगा. द सीरीज, ताकि आपको सीरीज सेम है, द सीरीज है, द सीरीज विच है स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर्म व्हेन इलेक्ट्रॉन्स get de-excited from higher shell to second shell is called Balmer series. अब इसमें याद रखें किस में मुड़ के आया है, second में. ठीक है, कहां से, higher से, higher से second में, यहां से हायर से फर्स्ट में. इसका मतलब है कि यहां पे N1, N2 और रीजन, ये दो चीज तीन चीजें हमें पता होगी. N1 टू है, ठीक है, ये गोमटिक्स में आता है सेकंड वाले में, और आता कौन से, जाहिर बात है थ्री फोर फाइव इंफिनिटी तक जहां से बंदी आ जाए आएगा हायर से, इसलिए N1 टू. N1 को देखकर हमने सीरीज बतानी है, और रीजन इसका क्या है, विजिबल. रीजन इसका क्या है, विजिबल. विजिबल में ये वाली जो है वो लाइनें रखता है, ये इसके अंदर एच अल्फा है, एच बीटा है, एच गैमा है, इस तरह करके. ठीक है जी, तो ये लाइनें इसके नाम दिया गया स्पेशली, ये सिर्फ बाल्मर ने नाम दिए हैं और किसी ने नाम नहीं लिए, सिर्फ बाल्मर ने नाम दिए, इसलिए बाल्मर सीरीज में विजिबल में बहुत ज्यादा स्टडी हुई है, इसलिए एच अल्फा मैंने बता दिया ये कहां से कहां आए, जब तीसरे से दूसरे में आए. एच बीटा क्या है, चौथे से दूसरे में आए. एच गैमा क्या है, पांचवें से दूसरे में आए, ऐसे करके ये याद रखना है. अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इन एच अल्फा बाल्मर स्पेक्ट्रल लाइन हायर एनर्जी लेवल इज, आप क्या कहेंगे, थ्री. लोअर एनर्जी लेवल इज, आप क्या कहेंगे, टू. या इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम विच शेल टू सेकेंड शेल इन एच बीटा सीरीज, एच बीटा स्पेक्ट्रल लाइन, तो आप कहेंगे फोर टू सेकेंड, फोर से दूसरे में आएगा, चौथे से दूसरे में आएगा. यानी कि आप ऐसे कह लें कि मैं अगर आपको यू कहूं और मजीद आसान कर दूं कि पहली बाल्मर सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइन में
हायर से लोअर में आता है, ठीक है, उसमें हायर का नाम के नंबर कौन सा है, लोअर का नंबर कौन सा है, तो पहली में तीसरे से दूसरे में आएगा, चौथी दूसरी में चौथे से दूसरे में आएगा, ऐसे तीसरी में देखे पांचवे से दूसरे में, चौथी में देखे छठे से दूसरे में, ऐसे मैं पूछ लेता हूं ब्रैकेट सीरीज में, ब्रैकेट सीरीज में दूसरी स्पेक्ट्रल लाइन का हायर शेल कौन सा है। देखो ये ब्रैकेट सीरीज है, पांचवे से चौथे में है तो पहली, छठे से चौथे में है तो दूसरी, इसका मतलब सिक्स से फोर में है तो सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन है, तो ये वाली कौन सी होगी ब्रैकेट सीरीज, ये वाली कौन सी होगी ब्रैकेट सीरीज, क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि आगे हमने एनर्जी डिफरेंस वगैरह वगैरह आपको पढ़ाने हैं, उसमें हायर एनर्जी और लोअर एनर्जी अगर समझ नहीं आएगा तो हम लोग उसके काबिल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही बामर सीरीज है, फिर ऐसे ही पास्चन सीरीज है, ऐसे ब्रैकेट सीरीज है, और फिर फर्न सीरीज है, ठीक है। तो इन तीनों को भी वैसे ही आप लोग क्या करेंगे, पहले डिफाइन करेंगे उसके बाद ये वाला लिखेंगे। मैं सिर्फ वो वाला लिख रहा हूं क्योंकि डेफिनेशन तो सेम आनी है, इसमें एन वन क्या है और एन टू क्या है, इसमें भी एन वन क्या है एन टू क्या है, इसमें एन वन और एन टू क्या है, और साथ में जो है वो असल बात वो रीजन भी लिख लें, क्योंकि इन तीनों में रीजन सेम है, सारा कुछ सेम है तकरीबन, तो इसलिए मैं इकट्ठा लिख रहा हूँ, जरा सुनिएगा। देखो एन वन सबको पता है, इधर तीसरी है तो एन वन थ्री है, तो ये यहां से शुरू होगा फोर फाइव एंड सो ऑन, ठीक है। यहां पे चौथी है तो एन वन फोर होगा, एन टू क्या होगा फाइव सिक्स सेवन और सो ऑन, ठीक है। ऐसे इधर एन वन कितने है जी, पांचवी है तो फाइव है, तो ये सिक्स सेवन सो ऑन। इसमें रीजन कौन से है, इसमें रीजन आई आर, इसमें रीजन आई आर, और इसमें रीजन आई आर, तीनों में रीजन क्या है इंफ्रा रेड रीजन है, तीनों में रीजन कौन से है आई आर रीजन है, जिसे हम क्या बोलते हैं इंफ्रा रेड रीजन। अब ये था हमारे पास सारा सिलसिला जो हमने पढ़ लिया। अब डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज में से कौन सा मर्जी आपसे क्वेश्चन आने, आपको बस हर चीज के बारे में क्लियरिटी होनी चाहिए। जब भी आपसे कोई पूछ रहे कि लोअर एनर्जी लेवल अगर पास्चन सीरीज का पूछता है, ठीक है, तो आपको कहें लोअर एनर्जी लेवल क्या है, आप कहेंगे थ्री, और हायर एनर्जी लेवल क्या है फोर फाइव एंड सो ऑन। ऐसे ही आपसे वो क्या नाम उसे बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज का पूछता है लोअर एनर्जी लेवल या लोअर शेल कौन सा है जहां पे डी एक्साइट होके आया, तो आपने कहना फोर, और हायर एनर्जी लेवल कौन सा है फाइव सिक्स और सो ऑन होगा हायर एनर्जी वाला। ऐसे ही फंड सीरीज में वो फाइव है और हायर एनर्जी वाला सिक्स सेवन एट नाइन एंड इंफिनिटी तक है, तीनों का रीजन क्या है आई आर, तीनों का रीजन क्या है आई आर। अब मैं लास्ट पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं, तो वजह से सुन लेंगे। ये कौन सा रीजन है अल्ट्रावायलेट, ये कौन सा रीजन है विजिबल, विजिबल की लिमिटिंग लाइन किसके अंदर होगी यूवी रीजन में, मतलब कि ये वाला जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, ये जो विजिबल रीजन है वो कहां पर एंड हो रहा है यूवी रीजन में, तो हम लोग कहते हैं लिमिटिंग लाइन ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम या बामर सीरीज, विजिबल स्पेक्ट्रम या बामर सीरीज एग्जिस्ट इन यूवी रीजन, या फिर आप कह लें लाइमन सीरीज, ठीक है। ऐसे ही ये तीनों तो सेम रीजन है ना, इन तीनों की कोई लिमिटिंग लाइन आपस में नहीं है, लेकिन इनकी लिमिटिंग लाइन किसमें है विजिबल में, लिमिटिंग लाइन ऑफ आई आर रीजन एग्जिस्ट इन किसमें अपना विजिबल में, मतलब के आई आर कहां पे एंड होता है विजिबल में, विजिबल पे जाके इसकी लिमिट लग जाती है, आगे तो विजिबल शुरू हो गया, तो लिमिटिंग लाइन ऑफ आई आर इज प्रेजेंट इन विजिबल, लिमिटिंग लाइन ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम इज प्रेजेंट इन अल्ट्रावायलेट, या ऐसे कह लें कि बामर सीरीज की जो स्पेक्ट्रल लाइन है उसकी लिमिटिंग लाइन कौन सी है, कहां पे आती है बामर सीरीज की, किसमें आती है अल्ट्रावायलेट में, बामर सीरीज की किसमें आती है, क्योंकि बामर सीरीज में यानी सिर्फ विजिबल, उससे पीछे वाली उसकी लिमिटिंग होनी है, ऐसे आईआर से पीछे वाली उसकी लिमिटिंग लाइन होनी, लिमिटिंग लाइन यहां से उसकी हदबंदी होती है, तो हदबंदी यहां पे समझ आ गई आप, क्लियर लिमिटिंग लाइन समझ आ गई, तो इसलिए एमसीक्यू आ जाता होता है कि अपना बामर सीरीज की लिमिटिंग लाइन किस रीजन में आती है, तो आप क्या कहेंगे अल्ट्रावायलेट रीजन, क्यों विजिबल रीजन उसका खुद का रीजन है
और उसकी लिमिट कहाँ है, किस पे जाके गिरती है कि ये यहां तक बाउंड्री है, वो हमारी कौन सी है, अल्ट्रा वायलेट यानी कि यूवी रीजन है। क्लियर हो गया। तो ये था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो प्यारा सा मॉडल हमने बना दिया, इस तरह बना दें, बुक वाला जो फ्लैटन मॉडल है वैसे बना दें, सारे के सारे ही सही हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो सिनेरियो था, एक्साइटेशन इन एनी शेल एंड डी एक्साइटेशन ऑन स्पेसिफिक शेल, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पहला है तो लाइमन सीरीज, दूसरा है तो बामर सीरीज, तीसरा है तो पास्टन, चौथा है तो ब्रैकेट, पांचवा है तो फंड सीरीज। आता कहां से डजंट मैटर, आता कहां है उसको देखकर हमने क्या बनाई है, सीरीज बनाई है। तो सीरीज आर डिवाइडेड या मतलब क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ एनर्जी या लेवल ऑफ शेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज डी एक्साइटेड, जहां इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होकर आता है वहां से हमने देखे उसकी जो है वो क्लासिफिकेशन करनी होती है, और रीजन्स और उसकी वेवलेंथ वगैरह बतानी होती है। तो यहां तक कोई भी क्वेश्चन हो आप लाजमी कीजिएगा, कोई मसला मसाइल हो तो आप जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ यू, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।